पूरे प्रदेश में झूठी विकास यात्रा निकाली जा रही है। कैसा विकास, किसका विकास? भाजपा के कुछ लोगों का विकास? क्या उसकी यात्रा निकलनी चाहिए? आप बताइए, महंगाई इतने चरम पर है, पेट्रोल जो 60 रुपए लीटर मिलता था आज 110 रुपए लीटर मिल रहा है, मीठा तेल 50 रुपए लीटर मिलता था आज 150 रुपए लीटर मिल रहा है, आप ट्रैक्टर लेने जाएंगे उसमें जीएसटी टैक्स लग रहा है, ये विकास है? आप सभी देख रहे हैं, पहले कभी यूरिया के लिए इतना लाइनों में नहीं लगना पड़ा, परेशान नहीं होना पड़ा, इतनी लंबी लंबी लाइन है, दिन भर धक्के खाओ, परेशान हो जाओ, सुबह सुबह से लाइन में लगो, ये विकास है? ये यात्रा आप सभी के बीच में सच्चाई उजागर करने की यात्रा है। यह यात्रा कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है, यह यात्रा एनपी प्रजापति जी की नहीं है, यह यात्रा साहिल सिंह राजपूत की नहीं है। हम यह यात्रा आप सभी को जागरूक करने के लिए निकाल रहे हैं, इनकी सच्चाई बताने के लिए निकाल रहे हैं। आप सभी ने देखा है, बड़े टीम टाम से जाएंगे, सरकारी पैसे का रथ चलेगा। अरे भैया, उस रथ के पैसे को बचा के किसी सरकारी काम में लगा देते तो कोई पंचायत में का चबूतरा बन जातो। पंचायतों में पर्याप्त राशि नहीं है विकास कार्य के लिए, क्या सरपंच साहब है का? ये शासन है इनका कि पंचायतों में विकास कार्य के लिए पर्याप्त राशि नहीं दे सकते, लेकिन निकालेंगे यात्रा, विकास यात्रा। इन्होंने विकास के नाम पर सिर्फ प्रदेश और क्षेत्र की जनता को गुमराह किया है। भैया, ये यात्रा हम सभी आपके बीच लेकर आए हैं, आपको जागरूक करने के लिए, आपको बताने के लिए कि इनकी यात्रा से हमें समझना होगा कि ये किस तरह से आपको गुमराह कर रहे हैं। ये यात्रा निकाल रहे हैं इनकी पार्टी का प्रचार करने के लिए, आप सभी देख रहे हैं। अभी एक वीडियो आया था पन्ना के उस हरामखोर नालायक कलेक्टर का, वो बोल रहा है कि 25 साल तक ये कोई पार्टी में नाम नहीं लेता, वो पार्टी की सरकार रहेगी उस पार्टी के लिए लोग जताएं। शर्मानी चाहिए कि ये सरकारी अधिकारियों का भी दुरुपयोग कर रहे हैं, उन पर पता नहीं।